पूरे 250 किलोमीटर चलाना, फिर घर के पास आके गिर जाऊं। भाई कैमरे कैमरे आगे, स्लो स्लो हो जा जगुआर। सो गाइस पेलम पलाई स्टार्ट ब्रो, तो चलते हैं। ओ भाई 125। चुड़ैल अपने बालों को बंद कर दी है, ये रात को खुले छोड़ देती है जैसे चुड़ैल होती है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आई अनुज ब्लॉग्स। क्या हाल चाल आपके, आई होप आप सब बढ़िया होगे, फिट एंड फाइन होगे। तो आज मैं जा रहा हूँ घर पे वापस नूरपुर। आज की राइड काफ़ी लंबी राइड होने वाली है, तो सुबह के जो टाइम हुआ लगभग 6 बज चुके हैं। तो इतनी सुबह सुबह आपका बाइक कैसे नहीं उठा? तो पहले तो यार आज इसलिए जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि आजकल गर्मी वगैरह चली है, तो दोपहर को यार धूप वगैरह बड़ी हो जाती है, उसमें ट्रैवल करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर आज जल्दी निकलने की कोशिश करी मैंने, मैंने तो सोचा था 5 बजे निकलूँगा पर उठा नहीं गया इतनी जल्दी। तो टाइम जो है लगभग 6 बज चुके हैं। अभी मम्मा को भी नहीं बताया कि मैं घर के लिए अभी निकल गया हूँ, तो एक बार उनको कॉल कर देते हैं। हेलो मम्मा, मैं निकल आया हूँ। जय श्री राम। जो रूम में ही है। हाँ उठा दिया मैंने उसको, बोलते मैं आधे घंटे बाद खुद उठ जाऊँगा, फ़ोन कर दियो ना आधे घंटे बाद। ठीक है बाय। सो वेलकम माई यूट्यूब फैमिली। सो गाइज अपनी राइड की स्टार्टिंग हो चुकी है, जो टाइम हुआ लगभग 6:06 हुए हैं। तो सुबह सुबह इतना ट्रैफिक होता नहीं है, तो आपका भाई इसलिए सुबह जल्दी निकला था, और धूप वगैरह भी नहीं होती तो राइड करने का मजा आएगा। बाकी निकालते हैं क्रेजी ब्रो। ओ भाई साहब सुबह सुबह भाई ध्यान रखना पड़ेगा इनका, कुत्तों का। देखो कैसे मिट्टी उड़ रही है यहाँ पे भाई, दोपहर को निकला होता है ना पूरी मिट्टी इस टाइम ना मेरे मुंह पे फेशियर कर रही होती है। कौन सी साइड चला चाचा, क्या बंदे हैं यार, वहां से लोग आ रहे हैं और यहाँ से आ रहा भाई वो बंदा। बस ऐसे ऐसे लोग हैं यार, इतना खुला रोड बना दिया उस साइड, तो बंदों को वहां से आना चाहिए, यहाँ से आ रहे हैं भाई, इतने स्टूपिड लोग हैं यहाँ पे। कर सकते हैं भाई, इंडिया है यहाँ पे, तो भाई रूल एंड रेगुलेशन कोई फॉलो करता नहीं है। अगर इनको रूल रेगुलेशन फॉलो करने को बोले तो ये लड़ पड़ेंगे, तुम कौन होते बोलने के लिए भाई। चाचा मुँह पे आ मैं, एक मोटो ब्लॉगर जो होता है ना उसके लिए अपनी बाइक और जो कैमरा है ना वही सब कुछ होता है, वो उनसे ही बातें करता रहता है। बाकी अपनी यूट्यूब फैमिली है ही है, उनसे तो करता ही 24 घंटे, क्योंकि यार आपके बिना यार कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ आप ही जो मुझे आगे ला सकते हो यार। पता है बंदा जब सोलो राइड पे निकलता है ना तब उसकी सारी दिल की बातें निकलती हैं, जो भी दिल में चल रहा होता है या अपनी लाइफ में चल रहा होता है वो सब कुछ पक देता है यार। तो मेरा भी नेचर कुछ ऐसा कि मैं मतलब ऐसा नहीं हूँ कि मैं छिपा के रखूँ कुछ, मैं जो भी ओपनली सब कुछ बोल देता हूँ यार लाइफ में जो भी चल रहा हो। बाकी यार जॉब के साथ मैनेज करना आपको पता थोड़ा डिफिकल्ट होता है ब्लॉगिंग वगैरह, तो आजकल ब्लॉग्स वगैरह यार हफ्ते में 1 या 2 ही डाल पा रहा हूँ। पर अब जा रहा हूँ घर पे, तो लगभग 3-4 दिन के लिए घर हूँ, तो अब तो धड़ाधड़ ब्लॉग्स आएंगे भाई, टाइम भी होगा ब्लॉग्स एडिट करने का भाई, सच बोलूँ यार मज़ा आएगा अब तो। तो गाइस अभी नालागढ़ क्रॉस कर लिया है, तो पेलम पलाई चलती है भाई, ये रोड तो सेक्सी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेलते हैं भाई बाइक को। नालागढ़ रोड पे मैं इसलिए नहीं पेल रहा था क्योंकि भाई वहाँ पे रोड की तो ऐसी तैसी भी बड़ी है। बाकी यार इन डॉग्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सुबह डॉग्स वगैरह बड़े होते हैं, तो सुबह थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा रोड पे। तो गाइस अभी जस्ट धमोटा पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे जो पुल वगैरह है टूट गया था, अभी भी टूटा हुआ है पर इन्होंने बाइक वगैरह के लिए अलाउड कर दिया है। तो आप नीचे देख सकते हो यार, ये सामने पुल सारा टूटा हुआ, और वरना हमें वहाँ से आना पड़ता था यार, जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं ना वैसे आना पड़ता था। तो चलो बाइक के लिए अलाउड कर दिए तो थोड़ा इजी हो गया आना। ये पुल पूरा चला गया हुआ यार, एक साइड से पूरा मतलब ऐसे बोल रहे टिल्ड वो हो गया यार। अभी तो चल रहा है ये पुल, पर आने वाले बरसातों में यार इधर से बुरी हालत होगी, क्योंकि पूरा ना पानी भर जाएगा और ना गाड़ियाँ वगैरह तो जा नहीं पाएगी, फिर वहाँ से पिंजारा वगैरह होके आना पड़ेगा ब्रो, मतलब 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता है वहाँ से। गाइस अभी भरतगढ़ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे मिल जाएगी 4 लाइन अप राइड, क्रेजी राइड होगी ब्रो। सो गाइस पेलम पलाई स्टार्ट ब्रो, तो चलते हैं। अब होगी भाई बाइक की टेस्टिंग ब्रो, इतनी जाती है आर्बन बाइक भाई, आज तो रोड भी इधर को साफ होगा क्योंकि सुबह सुबह इतना ट्रैफिक नहीं होता। कट
134 पहुंचाई थी अभी और आगे आगे फिर से ट्रैफिक 126 की स्पीड से बाइक टर्न करेंगे। ओ भाई क्रेजी बात पे 125 की स्पीड पे बाइक टर्न भाभी क्रेजी दो क्रेजी सिस्टम आज चल रहा है। क्रेजी बाप क्रेजी निकाला कर सकते हो। सो गाइस अभी जस्ट नंगल पहुंच चुके हैं, जो टाइम हो चुका है 7 बज चुके हैं और नंगल पहुंचने में मुझे लगभग 45 मिनट लगे। So guys, अभी नंगल क्रॉस कर लिया है तो उन्ना के कैमरे आ चुके हैं, यहाँ से उन्ना हो चुका है स्टार्ट। तो आप स्पीड में लिमिट का भी चलान कर सकते हैं, तो ज़्यादा ओवर स्पीड चलेंगे नहीं हम। स्पीड में तो भाई कैमरे आगे स्लो यार गेट पास कुछ चलान कटवा देगी मेरा। सो गाइस अभी तलवाड़ा पहुंचने वाले हैं, मतलब तलवाड़ा पहुंच चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टॉप जो है मेरा आएगा पोंग डैम। आने वाला है पोंग डैम, तो वहाँ पे तो वीडियो वगैरह नहीं है अलाउड। भाई साहब लगी वाइब्स आती है यार जब भी यहाँ पे पहुँचता हूँ ना इस लोकेशन पे। सो गाइस अभी फतेहपुर रुके थे, वहाँ पे चाय वगैरह पी है क्योंकि सिर दर्द होना स्टार्ट हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि चाय वगैरह पी लेते हैं। तो अभी चाय वगैरह पी के निकल चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे। जय मैं गो माता। ओ भाई क्या प्यारा रोड है यार, तो सुन क्या प्यारा रोड बना दिया। जय बापे तू भी दौड़ता चल जा। तो गाइस अभी जसूर पहुंच चुके हैं, तो बाइक लगा दी मैंने वॉशिंग के लिए, आप देख सकते हो सामने चेक कर सकते हो बाइक अभी वॉश हो रही है। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे घर पे, पता नहीं कितने के दिनों के बाद मैंने वॉशिंग करवाई थी यार। सो गाइस अभी बाइक वगैरह वॉश करवा ली, तो अभी चलते हैं घर की तरफ। टाइम हुआ लगभग 10:07 हो चुके हैं, तो इस टाइम खींचेंगे नहीं क्योंकि इस टाइम इसके टायर होंगे बिल्कुल गिल्ले, गीले होंगे तो स्किट भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि घर के पास गिरूं, पूरे 250 किलोमीटर चलाना फिर घर के पास आके गिर जाऊं। आई डोंट वांट दिस थिंग। तो वेलकम गाइज, तो गाइज अभी अपने होम टाउन पहुँच चुके हैं, अभी जा रहे हैं मार्केट से, तो घर पे पहुँचने के लिए जस्ट 5-10 मिनट रह चुके हैं, तो फटाफट पहुँचते हैं घर पे। कसम से बचपन वाली वाइब्स आ रही हैं यार, बहुत ज़्यादा घूमे इन रास्तों से ना, बहुत ज़्यादा जब छोटे छोटे होते थे ना साइकिल पे आते थे यार इन रास्तों पे,
आज इतने काबिल बन चुके हैं कि अपने खुद के पैसों की बाइक से आ रहे हैं यार। सर घर के फाइनली बाबे पहुंच गए घर पे, बाबे पहुंच गए भाई घर पे। और पापा ठीक हो? ठीक ठाक। और माता श्री कैसे हो आप? आई एम गुड, प्रीटी गुड। ओए चाचा, चाचा श्री कैसे हो? हाय चुड़ैल। आप सच्ची मोटे हो गए। गजब बेइज्जती है। हाउ आर यू चुड़ैल? कुछ खाने को लाए? हेलो, तू स्कूल नहीं गई? छुट्टी है आज। So guys, अभी जस्ट घर पे पहुंच चुके हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब टाटा बाय, लव यू माय यूट्यूब फैमिली। ये चुड़ैल देखो क्या कर रही है। चुड़ैल अपने बालों को बंद कर रही है। ये रात को खुले छोड़ देती है ना, जैसे चुड़ैल होती है सुबह वह बंदवा लेती है। सुबह इंसानों में आ जाती है। हैं? बैग क्यों लाऊं तेरा? ये बोल रहा हूं। वो मेरा बैग है, उसमें मैंने बुक्स डाल दी अपनी। है भी है, बैग की नहीं है। नहीं है।